ये कहानी है बिहार के पटना शहर के आरती की। आरती जो पटना शहर में रह करके अपनी पढ़ाई कर रही थी, रोजाना की तरह जो है वो कॉलेज से अपने हॉस्टल की ओर जा रही होती है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ आती है किसी लड़के की, जो आरती को रोकता है और उससे शहर में नया होने की बात कहता है। नया होने की बात कहकर के वो कहता है कि मेरी एक छोटी सिस्टर है जिसका एडमिशन इसी कॉलेज में हुआ है, मैं उसके लिए एक अच्छे हॉस्टल की तलाश कर रहा हूँ, क्या आप मुझे उसके बारे में बताएंगे। आरती ये बात सुनती है और उसे कहती है कि हाँ, यहीं मेरे हॉस्टल में रूम्स मिलते हैं, तो आप अपनी सिस्टर को ले आइए और यहाँ की सारी चीज़ें दिखा करके आप उसे इस हॉस्टल में रख सकते हैं। ये बात सुनते ही वो लड़का उसे कहता है कि ठीक है, इस विषय पे अगर मुझे आपसे कुछ बात करनी है तो कृपया आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं। वो लड़का इतनी शालीनता से पेश आया कि आरती उसे मना नहीं कर पाई और आरती उसे अपना नंबर दे देती है। तभी वो लड़का जो है उसे एडमिशन कराने के बहाने या किसी न किसी चीज़ के बहाने उसे फ़ोन करके उससे बात करता रहता। बात करते करते दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। लगभग इस बात को 15-20 दिन बीत चुके होते हैं। फिर वो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए इंसिस्ट करता है और वो लड़की मिलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वो लड़का उसे चाय पीने के बहाने उसे अपने घर पर बुलाता है और वो उसके घर पर चली जाती है। लड़का जो है कहता है कि शायद शक्कर ख़त्म हो गई और शक्कर लेने के बहाने वो घर से बाहर जाता है और घर का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देता है। आरती घर के अंदर रहती है, उसे ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। जब लड़का वापस आता है तो उसके साथ 5-6 लड़के होते हैं साथ में। वो लड़के अंदर आते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं और वो सब आरती को बुरी तरीके से जकड़ लेते हैं। जकड़ करके जो है उन सब मिल करके, कोई उसका हाथ पकड़ता है, कोई उसका पैर पकड़ता है और बारी बारी उसका रेप करते हैं, यानी कि गैंग रेप करते हैं। अब जैसा आरती के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता कि किसी और माताओं या बहनों के साथ या जो भी हमारे आसपास जो महिलाएं या लड़कियां हैं, हर किसी को अपने प्रति सचेत होने की बहुत आवश्यकता है। इस कहानी को बताने का मेरा सिर्फ यही एक मोटो था कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, किसी भी अजनबी पर या किसी भी ऐसे राक्षस पर विश्वास मत करिए और अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।